नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की मैत्री से पृथ्वी को और बेहतर तथा सुस्थिर बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नशीले पदार्थों के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अब ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में मुंबई में तेज वर्षा की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में हुई भारी वर्षा से भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति है। इससे पृथ्वी और बेहतर तथा सुस्थिर बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान हुई प्रगति इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच की मित्रता विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह पहले की तुलना में अधिक मजबूत और गतिशील हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मिस्र की उनकी यात्रा ऐतिहासिक थी। ये यात्रा भारत और मिस्र के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगी और दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और मिस्र के लोगों के स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और हरदीप सिंह पुरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की बढ़ती प्रतिष्ठा का साक्षी बना है। जम्मू में आज एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जब बोलता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे उत्सुकता से सुनना चाहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है कि अब सारी दुनिया में भारत की बनी है। भारत की प्रतिष्ठा का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मूल्यांकन करना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस बार की विदेश यात्रा थी, इसके पहले की जो उनकी विदेश यात्रा थी, उस दौरान भी आप देखें, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यह कहता है अब्बास है, यह हैसियत भारत की बनी है। श्री सिंह सुरक्षा सम्मेलन में भागीदारी करने और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश की एक दिन की यात्रा पर हैं। इस सम्मेलन का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में किया गया है। इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, लेखक, पत्रकार और अन्य वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन के बाद श्री राजनाथ सिंह त्रिकुटा नगर के भाजपा कार्यालय जाएंगे और जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक सुरक्षा स्थिति पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये सुरक्षा सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे कार्यक्रम का हिस्सा है और ये कार्यक्रम महीने भर चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के अंग के रूप में आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से मादक पदार्थों को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे।
अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक द्रव्य तस्करी निषेध दिवस पर अपने संदेश में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ के खिलाफ इस मुहिम में देश की सभी प्रमुख एजेंसियां विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरंतर दृढ़ता से काम कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं दुष्प्रभावों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंचों के माध्यम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकोड की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए थे, वहीं 2014 से 2022 के बीच ये लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए की मूल्य के हो गए। गृहमंत्री ने कहा कि चाहे मादक पदार्थों की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण हो, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से मादक पदार्थ मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। गृहमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने आप को और अपने परिवार को मादक पदार्थों से दूर रखें। मादक पदार्थ न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग में भी लाया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू हुई। यह बैठक बुधवार तक चलेगी। टिहरी जिला प्रशासन ने बैठक के प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। बैठक में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के देहरादून पहुंचने पर पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह सीमा सुरक्षा बल परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक सीमा सुरक्षा बल हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि नवनिर्मित स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल होने के कारण भारतीय हॉकी संघ से भी आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हरद्वार दुबे का पूरा जीवन जनसेवा और संगठन के लिए समर्पित था और उनका निधन संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ग्रीस के मध्य दक्षिणपंथी नेता किरियाकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। 99.67% वोटों की गिनती के साथ ही मित्सोटाकिस की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने संसदीय चुनाव में 40.55% मतों के साथ जीत हासिल की है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी सिरिजा के 17.84% से दोगुने से भी अधिक है। कल हुए चुनाव में न्यू डेमोक्रेसी को 300 सदस्यों वाली संसद में 158 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि विपक्षी पार्टी सिरिजा को 48 सीटें हासिल हुई हैं। सऊदी अरब में 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा में दुनिया भर से लगभग 20 लाख हज यात्री सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। इस यात्रा में कोरोना महामारी के 3 वर्ष बाद भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीन भाग ले रहे हैं। जायरीन मीना में इकट्ठा होने के लिए पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वे 3 रातें बिताने के बाद कल सुबह तड़के हज के दिन की मुख्य नमाज अदा करने के बाद अराफात के मैदानों की ओर बढ़ेंगे।
पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग वाले विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सांसदों को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने की अवधि को घटाकर 5 साल तक सीमित करना है। एशियाई विकास बैंक व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 40 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण देगा। रविवार को ढाका में एडीबी के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ग्वाटेमाला में कल राष्ट्रपति और महापौर पद के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में शुरुआत में 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन हाल के सप्ताह में ये चुनाव 3 मुख्य उम्मीदवारों सैंड्रा टोरेस, ज्यूरिस रियोस और एडमंड मुलेट तक ही सीमित रह गया। जीत के लिए उम्मीदवार को पहले चरण में 50% से अधिक मत प्राप्त करना होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मुंबई में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कल कहा कि कच्छ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मुंबई और मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। उधर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात अधिकारियों ने कहा कि कैफेटेरिया मोड़ के पास राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण राजमार्ग के दोनों ओर यातायात रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है और आज देर रात राजमार्ग खोले जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में सुबह से ही रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में कल तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते कल बंद हुई केदारनाथ यात्रा आज फिर से शुरू कर दी गई है। आज 4,000 से अधिक यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीक्षा डागर को चेज लेडीज ओपन में और लेडीज यूरोपियन टूर में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 22 वर्षीय दीक्षा की यात्रा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। श्री ठाकुर ने कहा कि दीक्षा डागर ओलंपिक्स और डेफलंपिक्स दोनों में स्पर्धा करने वाली इतिहास की एकमात्र भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने मियू किहारा और मिवा हरिमोटो की जापानी जोड़ी को हराकर ट्यूनिश में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी का ये साल का पहला डब्ल्यूटीसी कंटेंडर खिताब है। सुतीर्था और अयहिका की जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में शिन युबिन और जियोन जीही की कोरियाई जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। त्रिपुरा में पिछले एक साल में 79,000 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए अगरतला की अपराध शाखा के पुलिस महानिरीक्षक एल डारलोंग ने कहा कि पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डीआरआई जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हर प्रकार के मादक पदार्थों को बरामद करने और नष्ट करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए 156 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। बुकिंग कल से शुरू हो जाएगी। गणपति उत्सव सितंबर महीने में मनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमरीका की मैत्री से पृथ्वी और बेहतर तथा सुस्थिर बनेगी। प्रधानमंत्री ने अमरीका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नशीले पदार्थों के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अब ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मुंबई में तेज वर्षा की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में हुई भारी वर्षा से भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीक्षा डागर को चेज लेडीज ओपन में और लेडीज यूरोपियन टूर में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।